गुड इवनिंग एवरीवन, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो श्वेता सिंह, अब आपको एकदम बखूबी मैं दिखाई दे रहा हूँ। ओके, आवाज़ एकदम अच्छी है, क्लियर है, बिना फालतू की कोई नॉइस तो नहीं है, फ़ैन की वगैरह नॉइस नहीं है ना, वरना मैं फ़ैन बंद कर देता हूँ। ओके, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ने AR रैंक 2, AR रैंक 9, AR रैंक 10, 13, 14, 16, 20 और ऐसे ही लगभग 170 से भी ज़्यादा रैंकर्स इस साल दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसका पार्ट बनना, तो आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको मल्टीपल वैल्यू ऑफरिंग्स हम लोग डेफिनेटली देंगे। ओके, और ऑप्शनल आप सबको पता है कि बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है, तो ऑप्शनल का कार्निवल भी अपना शुरू हो रहा है। ज्योग्राफी कहिए, PSR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशो, एंथ्रो, मैथमेटिक्स, सारे ऑप्शनल हम लोग शुरू कर रहे हैं। और 13 अक्टूबर से अनअकैडमी पर 2021, 22, 23 ये सारी बैचेस शुरू हो रही हैं, तो आप लोग देरी मत कीजिए और जल्दी से जल्दी इन सभी बैचेस में अपने आप को एनरोल कर लीजिए। 2021 की कहो, 2022 की कहो, 23 की कहो, सारी बैचेस अपनी शुरू हो रही है। और हर संडे को अपना एक कॉम्बैट सीरीज़ होता है, UPSC CSE कॉम्बैट हम इसको कहते हैं। ओके, और इसमें आप लोग अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। उसके लिए आपको जो इनवाइट कोड जो यूज़ करना है वो है अरविंदा, ठीक है। ओके, बाकी अनअकैडमी पे लाइव मेंटोरिंग हम लोग करते हैं, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। आप सब मेरे साथ में करंट अफेयर्स आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं। अगेन आप सबको बता दूं कि एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन हम लोग यहाँ पर रात को 9:15 बजे मिलते हैं, ताकि आप लोगों के करंट अफेयर्स के कंसेप्ट में और ज़्यादा क्लियर कर सकूँ। हम लोग एक आध एडिटोरियल देखते हैं, उसके अलावा बहुत सारे हम लोग इसमें करंट अफेयर्स भी कवर करते हैं, तो आज हम लोग यही काम जो है वो करने वाले हैं। चलिए देरी नहीं करते हैं और आज के एडिटोरियल पर हम लोग आते हैं, जो कि मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। एक नया टर्म इन्होंने कॉइन किया है जिसका नाम है सोशल एंटरप्रेन्योर, मतलब सामाजिक उद्यमिता शासन। तो ये हमको जो है, यह सामाजिक उद्यमताशाली जो लोग हैं वो अपने को अब चाहिए, उस पर यह आर्टिकल लिखा हुआ है। तो इस पर कैसा टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है? ओके, तो क्वेश्चन बनता है कि भाई, या तो एकदम आपको UPSC जो है वो पूछ सकती है कि भाई सोशल एंटरप्रेन्योर हम लोग किसको कहते हैं, या फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि, या फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सोशल एंटरप्रेन्योर पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को डिफ़ाइन करना होगा कि ये सोशल एंटरप्रेन्योर होता क्या है और क्यों जो है वो अपने को इसकी ज़रूरत है। तो सोशल एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो क्या करे हमारे लिए, सोशल एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो बेसिकली सोशल एस्पेक्ट्स को बढ़ावा दे। जैसे क्या है, जैसे कि हेल्थ हो, जैसे कि एजुकेशन हो, जैसे कि स्किल्स हो, ये सब बढ़वाने में लोगों की मदद करे। तो ऐसा नहीं कि इन लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते कि प्रॉफिट नहीं कमाते, इन लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, इन लोग भी प्रॉफिट कमाते हैं, बट सोशल मोटिव को ध्यान में रखते हुए। और आप सब ने देखा भी कि किस तरीके से COVID-19 की जो सेकेंड वेव अपने आई थी यहाँ पर, उसने हालत ही अपनी ख़राब कर दी थी। एंड थैंक गॉड उस समय में कुछ सोशल एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने उस समय में इमीडिएटली अपने रिस्पॉन्स किया और उनकी हेल्प से हम लोग एटलीस्ट कुछ न कुछ मेजर्स जो है वो हम लोग ले पाए। ये सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं, ये लोग अवेयरनेस जनरेट करते हैं, ये लोग जो भी नेसेसिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाने में, काउंसलिंग दिलवाने में, जो भी मिथ्स हैं उनको डिस्पेल करने में, या फिर होम केयर सर्विसेज दिलवाने में, कम्युनिटी
को बिल्ड करने में, ठीक है, या टेस्टिंग की फैसिलिटेशंस हो, वैक्सीन के ड्राइव्स हो, ये सब करवाने में ये सारे सोशल एंटरप्रेन्योर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और याद रखना, सोशल एंटरप्रेन्योर या सोशल एंटरप्राइजेज जो है ये आपके अलग होते हैं एनजीओ से। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से अलग होते हैं थोड़े से, ठीक है। दे ऑपरेट इन अ ओपन मार्केट प्लेस, दे कुड बी फॉर प्रॉफिट ऑल्सो एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑल्सो, या हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है। तो ऐसा अपना सोशल एंटरप्रेन्योर्स है, और गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग प्रमोट करें। इनफैक्ट अभी आप लोगों ने एक रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, गुड समैरिटन्स के लिए एक न्यूज़ लाई हुई है, ठीक है। कि गुड समैरिटन्स की न्यूज़ क्या है कि अब से अगर कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह अगर हो जाता है, तो रोड एक्सीडेंट में किसी बंदे को आप अगर लेकर के जाते हो तो आपको 5,000 रुपये तक का इनाम जो है वो दिलवाया जाएगा। ये सब क्या है? यस साक्षी, गुड इवनिंग। तो ये 5,000 का इनाम दिया जाएगा। ये अगेन आप लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप लोग प्रमोट करना चाहते हो, यही तो इसका एम है। ओके, तो ये वाली बात है अपनी। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स और उनका सिग्निफिकेंस, मतलब उनका महत्व क्या है? तो ऑब्वियसली पहला काम है कि इन लोग जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, जो भी अपने सामाजिक समस्याएं हैं उन पर इन लोग ध्यान देते हैं। ओके, तो उसमें इनोवेशन लेकर के आना, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, ठीक है, तो ये सब इनका मेजरली काम होता है। दूसरा, उनको हम लोग चेंज एजेंट बोलते हैं या एजेंट ऑफ चेंज बोलते हैं, कि सामाजिक क्षेत्रों में बदलाव लेकर के आने का काम करते हैं। ओके, दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, समझो लोगों के अंदर में वैक्सीन हेजिटेंसी है, लोग कहते हैं कि भाई हम हेजिटेंसी नहीं लेंगे, जैसे कि वैक्सीन के लिए बीच में एक मिथ जो है वो फैल रहा था। क्या था मिथ? कि वैक्सीन अगर आप ले लोगे तो बोले कि मोदी सरकार ने जानबूझ करके ऐसे वैक्सीन्स लाए हुए हैं जिससे कि आप लोग जो है वो नपुंसक बन जाओ, या फिर आपका कैस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली केमिकल कैस्ट्रेशन हो जाएगा। कि वैक्सीन्स आर नथिंग बट केमिकल कैस्ट्रेशन मेथड्स, या आपका केमिकली जो है वो कैस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। तो ये सब क्या था? ये सब बिना फालतू की डरावनी बातें करना है। वो बोलते कि देखो मोदी गवर्नमेंट वैसे ही चाहती है अपने कंट्री का पॉपुलेशन कम करना, अब पॉपुलेशन ऐसे तो कम नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, वैक्सीन ले आए हैं, और वैक्सीन जिन जिन लोगों ने ली है वो लोग जो है वो केमिकली कैस्ट्रेट हो जा रहे हैं, और फिर आप लोग बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। तो जब समाज में ऐसी मिथ जब जनरेट होते हैं या ऐसी अवधारणाएँ जब आपकी जनरेट होती है, तो ऑब्वियसली वैक्सीन हेजिटेंसी या और भी आपके प्रॉब्लम जो है जनरेट होते हैं। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वहाँ पर आकर के समाज में अवेयरनेस का काम करते हैं कि भाई ये सब चीज़ें नहीं हैं। ओके, तो ये मेजर काम जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स का है। दे ऑल्सो ब्रिंग द चेंजेस, उन लोग जो है वो सोशल वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं, उनको सस्टेन करते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करते हैं, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करते हैं और करवाते हैं, दोनों भी काम है इनका। ओके, लोगों की लाइफ इम्प्रूव करते हैं, तो इम्प्रूव पीपल्स लाइव्स एंड हेल्प इन अचीविंग द इंक्लूसिव सोसाइटी। तो सम एग्जांपल्स लाइक यू नो, कुछ सोशल एंटरप्रेन्योर्स हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे एला भट्ट। तो एला भट्ट एक्चुअली एक सोशल एंटरप्रेन्योर का ही एग्जांपल है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन सेवा नाम का उन्होंने बनाया था। बंकर रॉय, तो इन्होंने बेयरफुट कॉलेज जो है वो बनाया था कि रूरल फैमिलीज़ को या रूरल कम्युनिटीज़ को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। ऐसे ही हम लोग हरीश हंडे साहब का बात कर सकते हैं कि हिज प्रैग्मेटिक एफर्ट टू पुट सोलर पावर टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ द पुअर थ्रू हिज सोशल एंटरप्राइज कॉल्ड एज द सेल्को इंडिया। ओके, तो ये सब जो है ये सब अपने लिए बहुत ही एक्सेलेंट एग्जाम्पल है, जिन्होंने क्या किया है कि इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में हेल्प की है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ऑथर यही कह रहे हैं कि अगर हो सके तो आप ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स को, जिसमें आप लोग एला भट्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर बेयरफुट कॉलेज का एग्जाम्पल ले लीजिए, सेल्को का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये सब आप लोग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। कैसे करें? तो परमिट सोशल एंटरप्रेन्योर्स विद लेस देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल एज फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस टू रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि अगर कुछ लोग हैं तो इन सोशल एंटरप्रेन्योर्स को आपने क्या देना चाहिए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में अगर इनको फंडिंग देते हो तो उसको एलिजिबल बनाना पड़ता है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर जो है, तो अभी एट दिस मोमेंट दे डू नॉट अलाउ दिस, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो अपने को ये वाला पार्ट एड्रेस करना है,
देन पहले तो अपने को डिफाइन भी करना पड़ेगा प्रॉपरली कि हम सोशल एंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे या सोशल एंटरप्रेन्योर किसको बोलेंगे, ठीक है। तो उसको परिभाषित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उसके लिए डेफिनेशन क्या रख सकते हैं कि अ बिजनेस विद प्राइमरीली अ सोशल ऑब्जेक्टिव हुज सरप्लसेस आर प्रिंसिपली री इन्वेस्टेड फॉर दैट पर्पज इन द बिजनेस और इन द कम्युनिटी रादर देन बींग ड्रिवन बाय द नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसा अगर हम लोग डिफाइन कर पाए सोशल एंटरप्राइजेस को या सोशल एंटरप्रेनर को और अच्छा होगा। एंड नॉट फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप्स को अगर हम लोग यू नो स्टार्टअप इनिशिएटिव में अगर हम लोग इनको भी बढ़ावा दें तो ज़रूर जो है इन लोग भी बढ़ेंगे। एंड डेफिनेटली ये जो सोशल एंटरप्राइजेस होते हैं इनको भी फंडिंग की ज़रूरत है ना भाई, पैसे कहाँ से उगाओगे, पैसे कहाँ से उगाओगे? तो उगा तो नहीं पाओगे, एटलीस्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर में अगर तुमको एग्जेम्पशन वगैरह मिले और अगर तुमको पैसा अगर सही से मिले तो हम लोग जो है पोटेंशियल को सच में अनलॉक कर पाएंगे। देन कम्स फास्ट ट्रैक वर्क ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कि अगर सोशल स्टॉक एक्सचेंज हम लोग बना पाए जो हम लोगों ने 2019-20 में हम लोगों ने अनाउंस किया था कि ऐसे सोशल बॉन्ड्स वगैरह हम लोग जो है वो लेकर के आने वाले हैं, ओके। तो इसमें बहुत सारे MSMEs को भी फ़ायदा होगा। ईज़ ऑफ बिडिंग प्रोसेस फॉर सोशल प्रोजेक्ट्स कर दीजिए और रिकॉग्नाइज देयर वर्क ऑल्सो। तो हम लोग यू नो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ऐसे कुछ अगर इंडिया का अवार्ड वगैरह अगर हम लोग दे सके और ऐसे एंटरप्रेन्योर को अगर हम लोग यू नो ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट कर सके तो डेफिनेटली हमारे कंट्री में हम लोग बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के आ पाएंगे। तो गाइज दिस वॉज अबाउट सोशल एंटरप्रेन्योर्स। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द नीड ऑफ द आर इज़ नरिशिंग इकोसिस्टम फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स टू टेक अप द प्रोग्राम्स, ब्रिज द पेंडेमिक इंड्यूस्ड गैप, स्केल अप द एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव एंड बी पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम रिस्पॉन्स सिस्टम। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अगर हम उनको सही तरीके से सपोर्ट करते हैं तो वो सच में इंडिया की एक इंक्लूसिव सोसाइटी और एक इंक्लूसिव रिकवरी बनवाने में बहुत सारी हेल्प करेंगे। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट यू नो आर ओपिनियन दैट वी हैड टू सी। आई होप सब लोगों को ये वाला ओपिनियन जो है वो क्लियर हो गया है। एवरीवन चलिए अब करंट अफेयर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं और GS1 से रिलेटेड जो कुछ न्यूज़ थी उनको हम लोग अब ख़त्म करते हैं, ओके। तो GS1 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो भी चर्चा में चल रही थी वो है कि आसाम की जुडीमा वाइन राइस जो है उसको दे दिया गया है GI टैग, ठीक है। तो खास करके ये कार्बी एंगलोंग एंड दीमा हसाओ के जो एरिया वाले जो लोग हैं तो उनका ये प्रोडक्ट है जिसको रिकग्निशन अभी रिसेंटली मिला है, ठीक है। और ये वन ऑफ द ट्रेडिशनल ब्रू है। और ये किससे बनती है ये वाइन बनती है राइस से, ठीक है। दूसरी बात जो है ये जुडीमा क्या है, तो एज आई सेड यहाँ के दिमासा नाम की जो ट्राइब है, सब लोग एक बार चैट बॉक्स में दिमासा लिख दो जल्दी से, कम ऑन गाइस, दिमासा ट्राइब एक बार चैट बॉक्स में हो जाए लिख करके। कि दिमासा ट्राइब ने ये जुडीमा नाम की जो वाइन राइस है ये प्रोड्यूस की हुई थी, ओके। तो बस इतना अपने को जो है वो याद रखना है, बाकी ये राइस जो है एकदम स्टिकी राइस से, ये वाइन जो है हम लोग एकदम स्टिकी राइस से हम लोग जो है इनको बनाते हैं, ओके। देन कम्स फेनी। तो फेनी क्या है, तो गोवा की अगेन ये जो है वो कैश्यू से बनने वाली आप लोग कह सकते हो कि स्पिरिट है या लिकर है, ठीक है, कैश्यू से बनने वाली लिकर है। तो आप सबको पता है ना गोवा काफ़ी फेमस है काजू की खेती के लिए, काजू जो है वो काफ़ी उगते हैं और काजू से भी हम लोग जो है वो बेसिकली दारू बना सकते हैं, तो उसका नाम है फेनी, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि फेनी जो है तो ऑलरेडी ये मतलब इसको हेरिटेज स्पिरिट तो है ही, GI टैग भी इसको मिला हुआ ही है, लेकिन अभी हमने क्या किया है कि फेनी जो है तो फेनी की पॉलिसी जो है इसने क्या कर दिया है कि अब इनके लिए GI टैग सर्टिफिकेशन जो है वो आपका बन जाएगा। और प्लस आप लोग इंटरनेशनल लिकर्स जो है जैसे कि मेक्सिको की टकीला है, जापान की सेक है और रशिया की वोडका है, उस लेवल पर हम लोग जो है इन वोडका वगैरह को हम लोग जो है बेच पाएंगे। तो ये खास बातें हैं। बाय द वे GI टैग्स क्या होते हैं, GI टैग जो है वो आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। और
आई हैड इम्पॉर्टेंट कॉल, ठीक है। तो मेरा एक IAS फ्रेंड है, उसने अभी कॉल किया था, उसको जस्ट अभी मैंने बताया कि भाई मेरा लेक्चर चल रहा है, तो आई विल बी टॉकिंग टू यू लेटर। ओके, सो वी वर ऑन दिस पॉइंट, वी वर इन दिस पॉइंट कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो आई थिंक पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने एकदम डिटेल में हम लोगों ने देखा हुआ था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो क्या होते हैं करके। यस एवरीवन, सब लोगों को याद होगा अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, तो उसमें GI इज इंडिकेशन यूज टू आइडेंटिफाई गुड्स हैविंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, खास करके तुम एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी से आते हो, अब वो एग्रीकल्चरल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है। और GI टैग जो है वो WTO कंप्लायंट है, हमारे इसकी रजिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन जो है चेन्नई में आपको मिलेगी, और 10 साल के लिए हम लोगों को ये GI टैग मिलता है। ऐसे मल्टीपल अपने पास में GI टैग हैं, जैसे कि अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में आप लोग यहाँ पे देखो सलेम फैब्रिक, कांचीपुरम सिल्क, तो ज्योग्राफी तो एसोसिएटेड रहेगी ही रहेगी इस प्रोडक्ट से। भवानी का जमखलम हो गया, मदुराई का सुंगुडी हो गया, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, कोयम्बटूर का वेस्ट ग्रिंडर हो ग्राइंडर हो गया, सलेम का सिल्क हो गया, टेंपल ज्वेलरी ऑफ नगरकोइल हो गया, थंजावर का आर्ट प्लेट हो गया, EI का लेदर हो गया, कोवई कोरा कॉटन हो गया, थंजावर का पेंटिंग हो गया, फिर उसके बाद में स्वामी मलाई का ब्रॉन्ज आइकन हो गया, फिर एथोमोजी का कोकोनट हो गया। तो ऐसे मल्टीपल जो है वो अपना बेसिकली इसमें चीज़ें आपको मिलेंगी। देन अरुणाचल प्रदेश का ऑरेंज कहो, गोवा की फेनी कहो, सिक्किम की लार्ज कैडमम कहो, मतलब वहाँ पे बहुत बड़ी इलायची मिलती है अपने को। ओके, तो त्रिपुरा का पाइनएप्पल कहो या उत्तराखंड का तेज पत्ता कहो, ये सब काफ़ी फेमस है वहाँ के, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट GI टैग। अब हम थोड़ा सा GS2 के न्यूज़ पर जाते हैं, और GS2 की न्यूज़ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ अभी रिसेंटली अपने सामने जो आ रही है वो ये है कि चाइना जो है, ठीक है, कौन चाइना जो है वो अब क्या कर रहा है, वो ऑलरेडी जो सेपेक का जो कॉरिडोर था, सेपेक के कॉरिडोर मतलब क्या, जो चाइना पाकिस्तान और चाइना और पाकिस्तान से होकर के जो जाने वाला था, उस सेपेक के कॉरिडोर में इन लोगों की बातें चल रही कि भाई हम लोग अब तालिबान को भी ले लेंगे या अफगानिस्तान को भी इसमें हम लोग ले लेंगे। तो ये इशू जो है वो चल रहा है कि तालिबान लेड अफगानिस्तान, ओके, तो पाकिस्तान हैज़ डिस्कस्ड कि तालिबान लेड अफगानिस्तान माइट बी ज्वाइनिंग दिस सेपेक, दैट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, तो ये अभी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो दूर नहीं लग रहा अपने को, इन लोगों का ऑलमोस्ट जो है पूरा प्लान है कि इन लोग जो है वो ज्वाइन करने की बातें इनकी हो रही है। तो सबसे पहले ये समझते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। ये बेसिकली जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या जिसको हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बोलते हैं, उसका वन ऑफ द एक ऑर्गन है, जिसमें ये चाइना से शुरू होगा, ओके, और यहाँ से होते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए इस तरह से होते हुए नीचे के तरफ में ग्वादार पोर्ट के तरफ में जो है ये जाने वाला है। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो इट्स अ बायोलेटरल प्रोजेक्ट बिटवीन व्हाट, पाकिस्तान एंड चाइना, जो चाइना के जिंजियांग प्रोविंस से शुरू होगा और पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट जो कि बलूचिस्तान की प्रोविंस होती है वहाँ पर जाएगा वाया खुंजरे पास, ठीक है। तो ऐसा है, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने 2013 में अनाउंस किया था उसका वन ऑफ द पार्ट है। तो इंडिया ऑब्वियसली इसका पार्ट नहीं है, बिकॉज अपनी इन लोग जो है वो सॉवरेंटी को वायलेट करते हैं। तो अब अगर समझो अफगानिस्तान सेपेक को ज्वाइन कर लेता है तो इससे इंडिया के ऊपर में क्या होगा, ऑब्वियसली तो इससे जो है चाइना, मतलब इम्प्लीकेशंस क्या है, तो चाइना जो है वो क्या कर रहा है, जो वॉइड जो US फोर्सेस जो छोड़ करके गए हुए हैं वो वॉइड फिल कर रहा है, ऑब्वियसली इससे अपना छाबार का जो पोर्ट है वो अंडरमाइन होगा, क्योंकि अभी हम लोग अफगानिस्तान तक जो भी सामान वगैरह पहुँचाने हैं वो हम लोग इंडिया ईरान और अफगानिस्तान के ट्रायलेटरल एग्रीमेंट के थ्रू छाबार पोर्ट से हम लोग उनको भेजते हैं, तो वो अपना वीकन हो जाएगा। प्लस हम लोगों का, बिकॉज अफगानिस्तान अभी तक इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर के तौर पे देखते रहा है, तो अब क्या होगा कि अगर ये भी पाकिस्तान के साथ में अगर ज्वाइन कर लेता है तो इंडिया की पोजीशन काफ़ी जो है वो वीक हो जाएगी। तो इकोनॉमिक कहो, सिक्योरिटी कहो, या स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो अफगानिस्तान अपना है, ये सब अपना वीकन हो जाएगा। ओके, तो ये अपने कुछ इश्यूज़ हैं। बाकी इसी के साथ में अपने टेररिज्म के भी
टेररिज्म के भी कंसर्न्स हैं, देन यू नो अगेन इन लोग कहीं अपने स्ट्रैटेजिक एयरबेस वगैरह इन लोग कंट्रोल ना कर ले, और रेयर अर्थ मेटल जो है वो अगेन इन लोग कहीं एक्सप्लॉइट ना कर ले, ये सब अपने पास में इश्यूज़ हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, तो आई होप ये वाली न्यूज़ भी सबको समझ गई है। GS3 की कुछ न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। तो GS3 जो है उसमें अपने को पता होना चाहिए ये जो क्या कहते हैं इसको, हमारा जो इनर लाइन परमिट जो सिस्टम है वो वाला। तो इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या होता है, तो देखो हुआ यूँ कि त्रिपुरा की अगर हम कहानी देखें तो त्रिपुरा में पहले जो है वो खास करके ट्राइबल लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे नॉन ट्राइबल लोगों का इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है वो इन्फ्लक्स हो गया कि यहाँ के ट्राइबल लोगों को तुमने टेक ओवर कर लिया, और आज यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो माइनॉरिटी में है और इनकी जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में आ गई है। नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन मेजॉरिटी में आ गई है और ट्राइबल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में आ गई है। ये वाली चीज़ें कुछ अपने जो ट्राइबल स्टेट्स थे जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनको पता थी कि भाई ऐसा हो ना जाए, इसलिए इन लोगों ने क्या कहा है, इनर लाइन परमिट जो है वो मांगा हुआ है। तो ये इनर लाइन परमिट जो है वो बेसिकली इनको चाहिए, तो इसलिए फिर मणिपुर जो है तो उसने अब क्या किया है, उसका इंटरनेट वर्जन जो है वो शुरू किया हुआ है। EILP मतलब यही है कि अब वर्चुअली आप लोग ILP के लिए परमिशन ले सकते हो, और फिर ही अगर आपको मणिपुर में वगैरह एंटर करना है तो आप लोग कर पाओगे। आई होप ये वाली न्यूज़ भी सबको क्लियर हो गई है। एवरीवन ठीक है। उसके बाद में अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में अभी रिसेंटली दो चीज़ें हुई थी कि उन्होंने स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक्ड क्रेन, तो ये देखो इसकी नेक जो है यहाँ पे आपको काली दिख रही है और ये स्नो लेपर्ड है, तो इनको जो है उन्होंने स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड जो है वो बनाया है। तो चलिए पहले स्नो लेपर्ड के बारे में समझते हैं। आपको GS3 में एनवायरनमेंट में इस पर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्नो लेपर्ड वेस्टर्न हिमालयाज में आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ईस्टर्न हिमालयाज में आपको उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में मेजरली मिलेगा। और स्नो लेपर्ड के लिए ही हम लोगों ने स्पेशली हेमिस नेशनल पार्क जो है वो भी बनाया हुआ है, जो कि बिगेस्ट नेशनल पार्क है। ओके, और स्नो लेपर्ड जो है एक्ट्स एज इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम ऑल्सो, तो ये है। और इसको जो है वो मल्टीपल थ्रेट्स भी हैं, अगर इसका IUCN स्टेटस देखें तो वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में डाला है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो शेड्यूल 1 में है। ठीक है, वैसे ही ब्लैक नेक्ड क्रेन की अगर हम लोग बात करें तो वन ऑफ द लार्ज बर्ड है। ओके, और यू नो इसका रेड क्राउन होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके अगर आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, ये देखो इसके सर पे ऐसे लाल लाल जो है आपको क्राउन दिख रहा है, ये काफ़ी रेड होता है, तो ऐसे रेड कलर का उसका जो है वो क्राउन होता है हेड पर। ठीक है, तो ऐसे ब्लैक नेकेड क्रेन होगा, खास करके टिबेटन प्लेट्यू में आपको मिलेगा, सिचुआन चाइना में और लद्दाख में आप लोगों को मेजरली मिलेगा। और ये बर्ड जो है वो विंटर में लोअर एल्टीट्यूड्स पर खास करके आता है, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर ये विंटर्स के ड्यूरेशन में मेजरली आता है। ठीक है, इसको अभी वैसे कोई इशू तो नहीं है क्योंकि थ्रेट वगैरह तो नहीं है, अभी रेड लिस्ट में डाला हुआ है, साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी अगेन इसमें शेड्यूल 1 में है। ठीक, तो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही सीखते हैं और उसके बाद में हम लोग वापस से मिलेंगे मंडे को। तो मंडे को हम लोग मिलेंगे 9:15 पर। ठीक है, तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन हम लोग मिलते रहते हैं इन लेक्चर्स के लिए, जहाँ पर हम लोग एडिटोरियल्स एंड थोड़े से करंट अफेयर्स हम लोग कवर करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।